आज हम बनाने जा रहे हैं यमहा, जिसका मॉडल नंबर है RX-B473। इस पीस के अंदर प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको दिखा देता हूँ पीस में फॉल्ट क्या है। मैक्सिमम वॉल्यूम है और ये अभी स्टीरियो चैनल पर है और जैसे इसको हम प्रोलॉजिक पे करते हैं तो इसके अंदर डिस्टरबेंस साउंड आ जाती है। आज हम इसको सही करेंगे, चेक करेंगे। देखने से ऐसा कुछ जो है डीएसपी बोर्ड में या डीएसपी सेक्शन में ऐसा कुछ भी ना तो रस्ट जैसा कुछ दिख रहा है ना ही वोल्टेज वाइज तो मैंने देख लिया है। और बाद में फिर मैं आपको एक एक जो मेन सप्लाई है उस पर कहाँ कितना आना चाहिए वोल्टेज वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, है प्रॉब्लम तो डीएसपी का, क्योंकि डीएसपी में प्रॉब्लम अगर नहीं होता तो ये देखते हैं। जैसे ही हम इसको प्रोलॉजिक करते हैं डीएसपी ऑन होता है 5.1, तो इसमें डिस्टर्बेंस साउंड आती है। ठीक है, चेक करते हैं क्या इशू है। सबसे पहले जो है हम इसका ये बोर्ड है जो है इसको हम क्लीन करेंगे, क्लीन करके देखते हैं लीकेज वगैरह कुछ दिख तो नहीं रहा है, फिर भी अपने मन का डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके लिए इसको पहले क्लीन करके देखेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या है। ये आईसी जो है हमने निकाली है सबसे पहले, और नई आईसी हमने मंगाई है। हम पहले इसको हम चेंज करेंगे, चेंज करके देखेंगे, उसके बाद फिर आगे क्या है नहीं है देखते हैं। हमने वो आईसी चेंज करके देखा है, लेकिन चेंज करके वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो हमने जो है उसके पास जो दूसरी आईसी है पीसीएम वो हमने निकाला है, उसको चेंज करेंगे और ये लगा करके यहाँ पर देखते हैं। हमने ये जो है ये पीसीएम आईसी चेंज किया है, और ये आईसी चेंज करने के बाद जो है अपना वर्किंग गुड हो गया है। आपको मैं सुना देता हूँ। जग फिरता है पण आपला भारत पाहिला है का, कमी गर्दीचा पर्यटनाचा हमीचा राजस्थान उत्तम सीजन रंगीलो राजस्थान नाही तर गॉड। पहले जो था इसके अंदर जब भी हम प्रोलॉजिक करते थे ऑन करते थे तो उसमें डिस्टर्बेंस साउंड आता था, अभी वो अपना प्रॉब्लम जो है सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है। आप देख सकते हैं अभी आगे हम इसको डायग्राम के हिसाब से भी आपको समझाएंगे। इसके कुछ इम्पोर्टेंट्स वोल्टेज है, सप्लाई है, जिस पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे कि ये अपना मिनी SMPS पावर सप्लाई है, और यहाँ से जो है इस वायर के थ्रू कहाँ पर कितने वोल्टेज आने चाहिए उसको हम थोड़ा ध्यान देंगे। तो सबसे पहले जो हम राइट साइड से यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा जूम ऑन करके मैं आपको दिखा देता हूँ, 5.6। परफेक्ट है। और फिर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर दो रेगुलेटर आईसी लगे हुए हैं जो कि 1.7 ये अपना 3.3 1.2 और 1.2 ही है।
ये कुछ इम्पोर्टेंट सप्लाई है जो कि आना ही चाहिए। अभी ये पीस वर्किंग गुड हो गया है तो मैं सप्लाई लेकर आपको दिखा भी दे रहा हूँ। मान लीजिए कोई सप्लाई मिसिंग है, नहीं है, तो उससे कुछ अलग मल्टीपल फंक्शन करे, कुछ सेक्शन काम ना करे, तो ये चीज़ें ध्यान देने वाली होंगी। हम बात कर लेते हैं अभी डायग्राम के हिसाब से। यह है उसका डायग्राम, ये वो सेक्शन है डायग्राम का जो हमने आईसी दो बदली किया है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया PCM 9211। और इससे पहले जो मैंने चेंज किया था वो ये चेंज किया था, इसका भी नंबर आप देख सकते हो PCM 1681। तो सबसे पहले मैंने यही क्यों चेंज किया, इसकी भी वजह थी, क्योंकि इसके अंदर जो है प्रॉब्लम ये था कि वो स्टूडियो में सही चलता था और जब हम प्रोलॉजिक ऑन करते थे तो डिस्टर्बिंग साउंड आती थी। ये जो है अपना आप सेक्शन देख सकते हो एनालॉग, सॉरी ये जो सेक्शन है ये सेक्शन जाती है अपना नीचे जो कंट्रोल आईसी है उस जगह पे जाती है और मुझे ऐसा डाउट हुआ इसके लिए। फाइनली ये आईसी चेंज करने के बाद जो है प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। ये तो सिर्फ जो इसका ये कॉमन आईसी है सभी में लगते हैं, जो कॉमन जो है यहाँ आप देख रहे हो पिन नंबर 4748 एनालॉग वी लेफ्ट राइट आप देख रहे हो ये आती है और फिर यहाँ से जो है ये डिजिटल आउट होता है पिन नंबर 17। पहले भी मैंने जितने एम्पलीफायर बनाए हैं, जितनों के वीडियो हमने डाले हैं, उसमें भी ये आईसी है और इसका डिटेल्स सब है उसके ऊपर। अब जो इस चीज़ को इसको ये समझते हैं कि मेरे मन में डाउट आया था कि पहले मैंने ये आईसी चेंज करके देखा, हम ज़रा इसका कंट्रोलिंग सेक्शन देखते हैं जहाँ से कंट्रोल होता है। ये है अपना इनपुट सेलेक्टर प्लस वॉल्यूम कंट्रोल आईसी। इसके अंदर आप गौर से देखेंगे डिजिटल टू एनालॉग फ्रंट लेफ्ट राइट सराउंड सब वूफर सेंटर ये सारे इनपुट्स इसके अंदर जाते हैं। तो स्टूडियो में सही कैसे आ रहा था, स्टूडियो बाईपास जो है और उसके बाद जो है यहाँ से ये एम सेक्शन को जाता होगा। जी हाँ वो एम सेक्शन को जाता है और ये इसके सारे इनपुट्स हैं। स्टूडियो में सही आवाज था और प्रोलॉजिक में डिस्टर्बिंग था, उसका कुछ फंडा समझ में नहीं आ रहा है, कभी उसके ऊपर भी गहराई से रिसर्च करेंगे। फिलहाल जो है आप लोग इतना ही समझिए कि जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए नेक्स्ट टाइम किसी भी पीस में कि स्टूडियो में जो है चल रहा है सही और प्रोलॉजिक ऑन करने पे डिस्टर्बिंग साउंड आती है तो अपना PCM 9211 चेंज करना है और उसको चेंज करें। मेरे सामने ऐसा फॉल्ट पहली बार आया है, इसकी वजह से मैंने दोनों आईसी को स्टेप बाय स्टेप
चेंज किया, चेंज करके देखा,